हेलो फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रैनी का नया अपडेट देखेंगे जो कि है 1.7। इस अपडेट में ग्रैनी का एक नया रूम सामने आया है जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं। ग्रैनी का एक नया पेट है जो कि एक कौवा है। एक और हथियार है जिससे कि हम ग्रैनी से बच सकते हैं या ग्रैनी को मार सकते हैं उससे। और भी काफ़ी चीज़ें ग्रैनी के घर में चेंज हुई हैं, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या ग्रैनी के घर में चेंज हुआ है। तो गेम जैसा कि आप जानते हैं डे वन से स्टार्ट होता है जो कि पहले रूम से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक बेड है जहाँ आप जागते हैं। तो चलिए बाहर निकल के देखते हैं कि ग्रैनी के इस अपडेट में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। सबसे पहले मैं इस रूम से निकलता हूँ बाहर गेट खोलकर। देखिए ग्रैनी कहाँ पर है, वो रही ग्रैनी निकल के बाहर आ रही है। हमको यहाँ से भागना पड़ेगा और पीछे के रास्ते से जो अपना टैडी बेयर वाला रूम वाला कमरा है उसमें से हम बाहर निकलते हैं। ये देखिए, तो इस रूम के नीचे जो मीट वाला कमरा है उसके पास अंदर में एक और हिडन दरवाज़ा है जिसमें से हम जो दूसरा रूम है वहाँ जा सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसके लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि शॉटगन या फिर जो क्रॉसबो है वो मुझे चाहिए रहेगा, और साथ में हथौड़ा चाहिए रहेगा। तो ये देखिए, ये वो रूम है। इसमें ये जो मीट लटका हुआ है उसके बगल में जो रास्ता है यहाँ से एक हिडन डोर खुल गया है। देखिए, ये है ग्रैनी का नया रूम जो कि इस अपडेट में आया है, जो यहाँ पहले नहीं था। इसमें उसकी बेटी की फ़ोटो लगी हुई है जो कि लाइब्रेरी वाले रूम में, हिडन रूम में मरी पड़ी है लटकी हुई। तो ये एक और रूम है देखिए यहाँ पर। ये इसके लिए मुझे हथौड़ी चाहिए रहेगी, आई नीड अ हैमर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रैनी का नया पेट है उसका बाउल रखा हुआ है। ये जो पेट है, ये देखिए कौवा, अगर मैं चाबी निकालने की कोशिश करता हूँ तो कौवा मुझे मारता है, रखवाली कर रहा है इस चाबी की। ये देखिए, मैं जब भी उसे टच करता हूँ ये मुझे चोंच मारता है। तो ये ग्रैनी का नया पेट है जो इस वर्जन में आया है। चलिए और देखते हैं कि आगे क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ पर एक और सिंक है, यहाँ भी कुछ सामान रखा हो सकता है। ये दरवाज़ा लॉक्ड है अंदर साइड से, आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। ये देखिए, यह छोटा सा होल है, यहाँ से आपको लाल कलर का पॉइंट दिख रहा है, उस पर आपको या तो शॉटगन से या तो क्रॉसबो से मारना पड़ेगा, तब वो दरवाज़ा अनलॉक होगा। ये एक सीक्रेट पैसेज है देखिए, यहाँ थोड़ी नाली टाइप की है, यहाँ पानी भरा हुआ है, और ये पीछे जाने का रास्ता है। ये देखिए, आप ऊपर का जाली हटा सकते हैं पर यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर से यहाँ अंदर आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये वो सीक्रेट रास्ता है, देखिए पूरी काई अंदर में लगी हुई है। तो ऐसा एक रूम है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें चेंज हुई है ग्रैनी के घर में इस अपडेट में। ये देखिए, जो नीचे का गैराज वाला कमरा है काफ़ी रस्टी दिख रहा है, दीवारें काफ़ी गंदी हो गई है और कार रस्टी, पूरी गंदी कार दिख रही है। पहले थोड़ी अच्छी कार हुई करती थी, अभी पूरी जंग लगी हुई कार दिख रही है आपको। तो ये अपडेट हुआ है इस वर्जन में, नहीं था। चलिए, अब मुझे क्रॉसबो मिल गया है। क्रॉसबो से मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। पहले हम इस क्रॉसबो से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, वो पॉइंट है, यहाँ पर से मैं क्रॉसबो को सेट करता हूँ और एक डार्ट चलाता हूँ जिससे कि अब वो दरवाज़ा अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए, जब हम अब इसे खोलते हैं तो ये खुल जाएगा। इसमें आपको एक और नया हथियार मिला है जो जिसमें फ्रीज ट्रैप है, और यह देखिए एक आदमी भी मरा हुआ है, इसका स्केलेटन पड़ा है। यानी जो पहले रहा होगा आपके पहले विक्टिम, वो यहाँ फंस के मर गया। तो देखते हैं, ये है नया फ्रीज ट्रैप देखिए, जिससे आप ग्रैनी को फ्रीज कर सकते हैं
और अगर आप इसे सेट कर दिए, इसे ड्रॉप करने पर ये सेट हो जाता है और इसके ऊपर आप खुद खड़े हुए तो आप भी फ्रीज हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है इसको। इसे यहाँ रख दीजिए, रेड था अब ग्रीन हो गया है, यानी कि अब ये सेट हो गया है। अब जैसे ही ग्रैनी इसके ऊपर आती है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और ग्रैनी इज़ नाउ गॉन फॉर अबाउट 2 मिनट्स। तो आप जैसे ही उसे ढकेलते हैं ग्रैनी पूरी टूट जाती है, पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ग्रैनी के। ये फ्रीज ट्रैप का कमाल है। हालांकि ग्रैनी भूत है तो वो वापस आ जाएगी। तो ये फ्रीज ट्रैप का यूज़ है जो इस वर्जन में है। काफ़ी यूज़फुल हथियार है, आपको ग्रैनी से बचा सकता है इस घर में। ये देखिए, टेबल पे रखने पर ये फिर से सेट हो जाता है और जैसे ही आप इसके ऊपर रखते हैं आते हैं तो आप खुद फ्रीज हो जाते हैं। ये देखिए, आपकी पूरी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, आप सिर्फ देख सकते हैं इधर उधर पर कुछ कर नहीं सकते। हालांकि ये कुछ 10 सेकंड में ही ठीक हो जाता है। चलिए अब मैं ग्रैनी के नए पेट की तरफ चलता हूँ, उसे डांट से मारने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, वो उड़ा लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। ये जो कौवा है वो डार्ट प्रूफ है, उसे डार्ट से कोई असर नहीं होता। चाबी आप तब तक नहीं ले सकते जब तक वहाँ कौवा है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि अब उस कौवे को कोशिश करूँगा मैं क्रॉसबो के बजाय इस गन से शूट करने के लिए। अगर हम उस कौवे को इस गन से शूट करते हैं तो क्या होता है। चलिए अब मैं वापस उसी रूम में चलता हूँ और आगे जाने पर ये देखिए इस रूम में कुछ नहीं है। अब अगर मैं फायर करता हूँ इस कौवे को इस गन से तो पूरे पर खच्चे हो जाते हैं उस कौवे के, वो मर जाता है। तब आप उसके पास रखी चीज़ आराम से उठा सकते हैं। अब लास्ट मैं इसमें दिखाऊंगा कि अगर आपके पास हथौड़ी हो तो इस रूम को आप हिडन रूम को खोल सकते हैं। जैसे कि आप एटीक में प्लैंक्स को निकालते थे वैसे ही आप निकालेंगे इसमें, तो अंदर की जगह जो है वो खुल जाएगी। तब आप इसमें देख सकते हैं अंदर झुक कर जाकर, तो आपको नई चीज़ मिलेगी। इसमें इस केस में हमको मिला है सीड मिला है। ये सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि मीट करता है, जैसे स्पाइडर को मीट खाने लगता है देने पर, वैसे ही बर्ड सीड डालने पर उसका बर्ड ये सीड खाने लगेगा। तब आप निकाल सकते हैं वो कोई भी चीज़ उसके पास से। तो ये था ग्रैनी का नया अपडेट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपने जानी क्या क्या बदला गेम में। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।